दोस्तों अगर आपको चाहिए इंटेक्स कंपनी का एक बजट स्मार्टफोन जिसके साथ आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो देखते रहिए दोस्तों, हम करेंगे इंटेक्स के एक्वा व्यू की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस अपडेट्स। तो दोस्तों आपके सामने है इंटेक्स का एक्वा व्यू। इस फोन के बारे में बात करूं तो जून 2016 में इसे रिलीज किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इस फोन में। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेक्स एक्वा व्यू। इस साइड की बात करें तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला बॉक्स के ऊपर। आपको जो कलर मिलने वाला है वो वाइट कलर में है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बैक साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा व्यू। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है। फिलहाल कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, और साथ में बताता हूं आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसे पहले से मैंने अनबॉक्स किया हुआ है तो मैं इसे निकाल लेता हूं। ये है हमारे पास फोन जो कि काफी अच्छी लुक में है दोस्तों। तो इसे करते हैं साइड पर, पहले देख लेते हैं इसमें एक्सेसरीज क्या क्या आपको मिलने वाली है। एक्सेसरीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक वारंटी कार्ड, साथ में एक गाइडेंस, मेन्यू गाइडेंस जिसमें दिया हुआ है फोन के बारे में कि कैसे कैसे आपको इसे यूज करना है। यहाँ पे दोस्तों एक साथ में मिल जाएगा हार्ड प्लास्टिक का कवर जो कि आप लगभग सभी फोनों में आने लग गया है, तो ये आपको इसमें बैक कवर मिल जाएगा। साथ में इसमें मिल जाएंगे नॉर्मल से आपको एक हेडफोन्स, एक यूएसबी केबल जो कि है माइक्रो यूएसबी। तो दोस्तों ये है इसका चार्जर जो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो ये है चार्जर जो कि नॉर्मल चार्जर है, कोई भी फास्ट चार्जर सपोर्टिंग नहीं करता। तो उसके बाद बात करें तो इसमें आपको दोस्तों एक बैटरी मिल जाती है। तो इसे ओपन करके देख लेते हैं कि कितने एमएएच की ये बैटरी है। तो बात करें तो 2200 एमएएच की आपको ये बैटरी इंटेक्स की मिल जाएगी। उसके बाद बात करें तो आपको एक मिल जाएगा प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्शन। तो ये सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो इसे करते हैं साइड पे और फ़ोन की तरफ चलते हैं कि फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसा है फ़ोन। तो ये है दोस्तों फ़ोन, काफ़ी स्टाइलिश लुक दी गई है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा फ़ोन दिया गया है। एक बार आपको मैं लुक के दिखा देता हूँ इसकी, तो उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सेंसर्स मिल जाएंगे, बीच में आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कैमरा मिलने वाला है वो है 5 मेगापिक्सल का। स्क्रीन की बात करें तो 5 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है जिसका रेजोल्यूशन रहने वाला है 720x1280 पिक्सल्स। पीपीआई की बात करें तो आपको मिलने वाली है इसमें 293 ppi इसमें आपका डिस्प्ले में रहने वाला है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पे दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रिल में एक आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे है माइक्रो यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे एक आपको दिया गया है माइक। इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाएगा और एक वॉल्यूम अप डाउन के रॉकर्स मिल जाएंगे। ऊपर की बात करूँ तो 3.5 mm का आपको जैक मिल जाएगा हेडफोन्स के लिए, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया। बैक की बात करूँ तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको 1 मेगापिक्सल का एक कैमरा अच्छा खासा, साथ में मिलने वाली है एक LED फ्लैश लाइट, यहाँ पे लिया हुआ है इंटेक्स का एक लोगो। तो ये था फोन की लुक। अगर बात करूँ दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में तो वो है 2200 mAh की जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। प्रोसेसर की बात करूँ तो 1 GHz का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि है क्वाड कोर। प्रोसेसर मेकर की बात करूँ तो मिलने वाला है आपको MediaTek का MT6735P। उसके बाद रैम की बात करूं तो आपको एक अच्छी खासी 2GB की इसमें रैम मिल जाएगी। इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो आपको मिल जाएगी, इंटरनल स्टोरेज है जो वो मिल जाएगी 16GB की। उसके बाद बात करूं तो आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 32GB तक मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं।
फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, एंड्रॉयड 5.1 इसमें आपको मिलने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, GPS मिल जाएगा इसमें, ब्लूटूथ मिल जाएगा। NFC की बात करूँ तो आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। उसके बाद OTG सपोर्ट की बात करूँ तो OTG सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलने वाली है। उसके बाद FM की बात करूँ तो मिल जाएगा, ड्यूल सिम है, 4G है, वोल्टी सपोर्ट करेगा दोस्तों, ये कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो काफ़ी एक स्टाइलिश फ़ोन है, देखने में काफ़ी स्लिम फ़ोन है। एक अच्छी बात है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है साथ में, और काफ़ी लुक काफ़ी अच्छी दी गई है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो दोस्तों 1 GHz का प्रोसेसर, वो भी MediaTek का, तो कोई अच्छा खासा प्रोसेसर आप नहीं है, कोई अच्छा खासा प्रोसेसर इसे आप नहीं बता सकते। स्क्रीन की बात करूँ तो नॉर्मल स्क्रीन क्वालिटी होगी। कैमरे की बात करूँ तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, अभी ऑन करके आपको बता दूंगा कि कैसा कैमरा क्वालिटी है, लेकिन एक कुल मिलाकर गए तो एक अच्छा खासा फ़ोन आपको मिल जाएगा अगर लो बजट की बात करें तो। ये मैं इसे बैक साइड से ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपकी डलेगी सिम और कैसे डलेगी इसमें बैटरी। तो बैक साइड से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन की बात करें तो यहाँ पे आपका एक मेमोरी कार्ड डल जाएगा और यहाँ पे 2 सिम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो आप यहाँ पे आप अच्छी खासी बैटरी यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें, जो कि है 2000 mAh की। तो मैं फ़ोन की बात करें तो दोस्तों एक अच्छा खासा फ़ोन है, लेकिन मैं इसे आपको ऑन करके दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी ऑन करने की ट्राई की है, लेकिन इसमें जो बैटरी है वो इसकी डाउन हो गई है, तो मैंने काफ़ी देर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा मुझे। तो अगर हो सका तो मैं आपको इसे दिखाऊंगा ऑन करके भी, लेकिन अगर बजट की बात करें तो आपको एक अच्छे बजट में एक अच्छा खासा फ़ोन मिल जाएगा। एक काफ़ी अच्छी लुक है फ़ोन की, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन मैं इसके रिव्यू में आपको बताऊंगा कि कैसी है इसकी स्क्रीन क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी, तो मैं ऑन करके नहीं दिखा पाया दोस्तों, उसके लिए मुझे बहुत बहुत सॉरी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए।